दूसरा पॉइंट है जो यहाँ से शुरू होगा। लिख के आप हालत अभी आप देख सकते हैं। दो रूरल मशीनें और भी हैं, रोड को बिछाने वाली भी मशीन आगे मौजूद है जो इस वक्त अभी बंद पड़ी है। रेती डाली जा रही है, इस हिस्से को मुकम्मल किया जा रहा है ताकि रोड में वो मुकम्मल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, जुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं गोधरा की साइड पर मौजूद हूँ और ये गुज्जर नाला है और गुज्जर नाला बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर हूँ और गोधरा के बिल्कुल साथ ही ये नाला लगता है न्यू कराची वाला। तो यहाँ पर गुज़रता रोज़ हमने सुना था कि यहाँ पर तमाम तर जो रोड का काम है उसको मुकम्मल कर लिया गया है, इस हिस्से में रोड डाल दिया गया है। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप यहाँ का लाजमी दिखाएं, थोड़ा तफसील से देख लिया जाता है। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, रोड पर हूँ। रोड आप देखें बड़ा ही माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से डाला है और आपको ये तो पता ही होगा कि रोड बनाने से पहले फुटपाथ लगाई जाती हैं, उसके बाद रोड डाला जाता है। खैर अभी फुटपाथ तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, बाकी इस रोड से आगे चलते हैं जिस कोने तक के रोड को बिछाया गया है वो तमाम तर रोड में आप लोगों को दिखाता हूँ और साथ में आप नाला भी देख ही सकते हैं कि किस तरीके से कचरा इस नाले के अंदर पड़ा है। बहरहाल कहेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी बोले कि अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ है, गटर का ढक्कन नहीं है, वहाँ पर भी गटर का ढक्कन नहीं है। रोड भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सा डाल दिया गया है और ये आप देखें कि तमाम तर रोड की जो इस वक्त सूरत हाल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज तकरीबन 3 साल के बाद बिलाखिर इस रोड का जो कुछ हिस्सा बिछा दिया गया है और अभी इस वक्त तो मशीनें काम नहीं कर रही हैं, रोड 2 दिन पहले डाल दिया गया था। मुझे यहाँ पर आना नहीं था लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे जिसके बाइस मुझे आना पड़ा यहाँ पर। और ये आप देखें कि साथ में फुटपाथ लग जाता उसके बाद रोड डलते तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन ये भी अच्छा है। और यहाँ पर रूरल मशीन मौजूद है और मशीन इस वक्त अभी बंद है। और अभी इस वक्त जो दूसरे वाला जो रोड का जो हाल है वो मैं जब आगे यहाँ से गुजरूँगा उसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसके बाद रोड कब डाला जाएगा। यहाँ पर क्रश को बिछाने वाली मशीन भी मौजूद है और देखें आई थिंक ये जनरेटर है और आगे 2 रूरल मशीनें और भी हैं और रोड को बिछाने वाली भी मशीन आगे मौजूद है जो इस वक्त अभी बंद पड़ी है। और दूसरा रोड भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि ये देखें ये यहाँ पर 3 रूरल मशीन और मौजूद है और यहाँ तक के इस रोड को बिछा दिया गया है। अब ये देखें आप, यहाँ तक के तो रोड को मुकम्मल कर दिया गया है, अब यहाँ से आप सिर्फ सड़क की कंडीशन देखें और फिर आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि क्या ये रोड ज़बरदस्ती डाला है या प्लानिंग के हिसाब से डाला है। या आप देखें यहाँ से ये तमाम तर ये मशीन मौजूद है जो यहाँ पर खड़ी है और ये नाला है। इसके साथ देखें अभी यहाँ पर क्रश भी बिछाना बाकी है और ये ब्रिज है। ये देखें ये दूसरा पॉइंट है जो यहाँ से शुरू होगा, लेकिन अब इसकी आप हालत अभी आप देख सकते हैं।
और ये देखें आप, यहाँ पर एक्सीवेटर मशीन मौजूद है जो रेती को छोटे से कंटेनर पर डालकर लेके जा रही है अंदर की तरफ। और ये अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ, यहाँ से रास्ता बंद है। ये नाले का जो ऊपर से छत डाली गई है, और नीचे से आप देखें कितना ऊंचा है। और इसके बाद अब मैं यहाँ से उस रोड पर जा नहीं सकता, वरना उस रोड की भी कंडीशन ज़रूर दिखाता। और ये रोड मेरे सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि तमाम तर काम जो इस वक्त गुज्जर नाले पर चल रहे हैं, वो तो आने वाले अभी तकरीबन 2 साल तक और भी चल सकते हैं, जिस तरीके से हमें यहाँ पर सूरत हाल नज़र आ रही है। जगह जगह पर अभी काम को मुकम्मल भी नहीं किया गया है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला पॉइंट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, ये लाइनें डाली गई हैं, वो साथ में नाला है। नाले के अभी इस वक्त तार बांधे जा रहे हैं सरियों के ऊपर। तमाम तर जितने भी तजावुजात थे उसको तो यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। ये सारे घर जो नाले के ऊपर थे, यहाँ तक बस मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, आगे रास्ता ब्लॉक हो सकता है। ये देखें, ये पूरा अभी बहुत काम पड़ा है, और आई थिंक 2 साल और भी लग सकते हैं। बहरहाल, और यहाँ पर अभी रेती डाली जा रही है, इस हिस्से को मुकम्मल किया जा रहा है ताकि रोड डालने का जो काम है वो मुकम्मल हो सके। अभी इससे आगे पाइपलाइन डाली जाएंगी, और अभी सरिये भी बांधना बाकी है। ये इस वक्त गोधरा की साइड गुज्जर नाले की सूरत हाल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ की तमाम तर मनाजिर जो रोड डालने के, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा था। और साथ में मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया कि आगे इस वक्त काम की क्या पोजीशन है, और काम इस वक्त कितना बाकी है। बहरहाल, मज़ीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।